हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन किया था। अब चलिए आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। मानस, चलो हम मैदान में जाकर खेलें। हाँ चलो। अरे मानस, ये क्या, मैदान में तो काम चल रहा है। हाँ देखो, ये रोलर कितना विशाल है। खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैदान का क्षेत्रफल तो 2200 वर्ग मीटर है, फिर पूरे मैदान को समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने होंगे? ये तो हम गणित के द्वारा बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो थॉमस, जब रोलर एक चक्कर पूरा करता है तो वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर के मैदान के क्षेत्रफल को समतल करता है। क्या तुम मुझे रोलर का व्यास और लंबाई बता सकते हो? रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब देखो थॉमस, हम जानते ही हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और h का गुणनफल है, जहां r और h क्रमशः बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है, जिसे हम πdh का गुणनफल इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां रोलर बेलनाकार है और उसकी अभिमुखता आड़ी है, इसलिए यहाँ बेलनाकार रोलर की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। चलो मैं इस सूत्र में क्रमशः डी की जगह रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और एच की जगह रोलर की लंबाई 100 सेंटीमीटर लिखकर उसे इस तरह से हल कर लेता हूँ। अरे वाह, हमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2.2 वर्ग मीटर ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना होगा मानस? अब तो ये बहुत आसान है। देखो थॉमस, एक चक्कर में रोलर 2.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल समतल करता है, तो पूरे मैदान यानी 2200 वर्ग मीटर को समतल करने के लिए रोलर को लगने वाले चक्कर की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें केवल मैदान के क्षेत्रफल 2200 वर्ग मीटर को रोलर के एक चक्कर में समतल होने वाले क्षेत्रफल 2.2 वर्ग मीटर से भाग करना होगा। देखो मानस, मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने होंगे। इतने सारे चक्कर, फिर तो आज मैदान में खेलने का प्लान कैंसिल। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चले और मेरे घर चलकर ही कोई खेल खेल लें। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।